हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा DLED सेकेंड सेमेस्टर के बारे में देखेंगे। तो इसमें प्रारंभिक शिक्षा पढ़ेंगे आज। इसका फुल सिलेबस हमने पिछली वीडियो में बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें है शिक्षा का अर्थ तथा उद्देश्य। तो हम इसमें देखेंगे शिक्षा का अर्थ पहले देखेंगे। अर्थ है शिक्षा को सामान्यतः जिस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है वह शिक्षा के सीमित अर्थ को अभिव्यक्त करता है। इस सामान्य प्रयोग में शिक्षा का अर्थ विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, औपचारिक शिक्षा तक सीमित है, परंतु शिक्षा इन औपचारिकताओं में आबद्ध नहीं है। शिक्षा तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। वरना भारतीय अवधारणा के अनुसार शिशु माता के गर्भ से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। उदाहरण देखेंगे तो अभिमन्यु इसका उदाहरण है कि उसने चक्रव्यूह तोड़ने की कला अपनी माता के गर्भ में रहते हुए ही सीख ली थी और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया। तो दोस्तों ये था शिक्षा का अर्थ था। आगे देखेंगे शिक्षा का व्युत्पत्ति परक अर्थ देखेंगे। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। शिक्षणे जिसका अर्थ होता है सीखना, अध्ययन करना और ज्ञानार्जन करना, ये हुआ शिक्षा का व्युत्पत्ति परक अर्थ हुआ। आगे देखेंगे हम इसका प्रेरणाथक रूप सिखाना है। संस्कृत कोश में विद्या शब्द संस्कृत के विद धातु से उत्पन्न है जो जानना, अवगत कराना, अध्यापन कराना आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। उपर्युक्त दोनों ही शिक्षा एवं विद्या शब्दों के प्रयोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया के रूप में किए जाते हैं। आगे हम देखेंगे शिक्षा की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। परिभाषा है जहां भारतीय दृष्टिकोण आध्यात्मिकता का परिचायक हैं वहीं पाश्चात्य दृष्टिकोण विकास की प्रक्रिया को आधार मानता है। अतः परिभाषाओं को इन्हीं दो आधारों पर वर्गीकृत करके प्रस्तुत किया जा रहा है। वो दो आधार जो हैं, पहला है भारतीय दृष्टिकोण, पाश्चात्य दृष्टिकोण। आगे है भारतीय दृष्टिकोण देखेंगे। पहले ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मविश्वासी और स्वार्थहीन बनाए। स्वामी विवेकानंद के मत में देखेंगे तो शिक्षा मनुष्य में निहित दैवीय पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है। आगे देखेंगे स्वामी विवेकानंद के मत में देखेंगे शिक्षा मनुष्य में निहित दैवीय पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण। अरविंद के अनुसार देखेंगे शिक्षा का कार्य आत्मा को जो कुछ विश्व में है विकसित करने में सहायता देना है। आगे देखेंगे हम महात्मा गांधी के अनुसार देखेंगे शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वश्रेष्ठ को प्रकाश में लाना। आगे है रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार है। तो देखेंगे हम रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि सत्य की खोज कर सके और उस तथ्य को अपना बनाते हुए व्यक्त कर दे। आगे है पाश्चात्य दृष्टिकोण है। इसके पहले हमने भारतीय दृष्टिकोण से देखा था, अब इसमें देखेंगे पाश्चात्य दृष्टिकोण से। सुकरात के अनुसार देखेंगे शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संस्कार के सर्वमान्य विचारों की को प्रकाश में लाना है। आगे देखेंगे फ्रोवेल के अनुसार देखेंगे
शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। आगे हैं कमेंट के अनुसार है, सॉरी कांट के अनुसार है, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसमें उसकी क्षमता होती है। आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे बॉशिंग के मत में देखेंगे हम, शिक्षा का कार्य व्यक्ति को वातावरण के साथ उस सीमा तक समायोजन कराना है जिसमें व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए अस्थायी संतोष प्राप्त हो सके। आगे देखेंगे बटलर के मत में, शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक संपत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक सामंजस्य से है। ब्राउन के अनुसार है, शिक्षा चैतन्य रूप से एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं तथा व्यक्ति के समूहों में किए जाते हैं। आगे देखेंगे हम टीपी नन के अनुसार, शिक्षा बालक की व्यक्तित्वता का पूर्ण विकास है जिससे वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। आगे हैं आगे देखेंगे हम जॉन के अनुसार, शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिससे यानी जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके और अपनी भावी आशाओं को पूर्ण कर सके। ये था जॉन ड्यूवी के अनुसार था। तो दोस्तों ये था डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें हम प्रारंभिक शिक्षा के बारे में ही डिस्कस किए हैं। इसकी अगली वीडियो हम डाल देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइज़।